है कि एक तो नॉर्मल इंसान है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या क्या बोले, ज्यादा बड़ा फैमिली से नहीं, एक तो हम्बल बैकग्राउंड से गाड़ी चला रहे बोल रहे थे। तो यही बोलना चाहता था कि जैसे हमारा नॉर्मल आम इंसान जब इतना हॉनेस्टी दिखाएंगे, इतना मानसिकता दिखाएंगे, तब आप देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हो सकता है। तो यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जब जैसे आप लोग पुलिस से सहयोगिता करें या कोई प्रशासन का कोई भी एजेंसी हो, या हमारा आम जो पब्लिक हमारे सामने जो साधारण मानुष जो घूमते हैं उनका हेल्प करने का ये करे, तो ये हम इंश्योर कर सकता है कि हमारा दुनिया और भी खुश है। और ये करने के लिए ये देना हमारा बहुत ज़्यादा खुशी का बात है, क्योंकि ऐसा वाला ये दिखाने में हम थोड़ा तो सम्मानित करने में हम अपने आप थोड़ा बढ़ रहे हैं, यही हम लोग मानते हैं। और इस मौके में यहाँ आने के लिए सबको धन्यवाद देना। घटना हुआ था, जैसा एक हमारे साथ ही एक महिला आई थी, उनका बैग मिस हो गया है करके, बैग खो गया था, उन्होंने टैक्सी ले लिया। तो वो बैग एक्चुअली तब तक पुलिस के साथ पहुंच गया था। उसका एक कारण है कि उस गाड़ी का ड्राइवर जो है, जिनको उस टाइम पता नहीं, जिनका बारे में उस टाइम पता नहीं था, वो आदमी वो बैग एक्चुअली हमारा ट्रैफिक गार्ड में दे दिया था। तो ट्रैफिक गार्ड का बड़ा बाबू धनंजय बाबू वो खोज लेके वो जो महिला है जिसका बैग मिसिंग हुआ है वो पहुंचा दिया। तो उस दिन ही हमने आप लोगों को बताया था कि ड्राइवर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सम्मानित करेंगे, क्योंकि ऐसे जो आम जनता जो ऐसा अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करना हमारे लिए भी खुश का बात है, एंड ये करना भी है। तो इसीलिए आज उसका मौका मिला, क्योंकि कल जैसे हमने खोज लगा कि वो ड्राइवर के बारे में पता चला, उनका नाम है आशीष हाँ टिरुआ, आशीष टिरुआ सोनादा का रहने वाला है। तो उनको सम्मानित करने के लिए आज एक मौका मिला, तो ये इसके लिए आप लोग को भी बुला लिया। आन्टी र अङ्कल चढ्नु भएको थियो दार्जिलिङ मोडबाट, मैले हालेको थिएँ दार्जिलिङ मोडबाट चढेर, अन्त मैले अमरजित होटेलमा झारेको थिएँ आन्टी र अङ्कललाई। अन्त झार्दाखेरि म मलाई थाहा थिएन, आन्टी र अङ्कल मात्रै हुनुहुन्थ्यो ब्याक सिटमा बस्नुभएको थियो, अन्त मलाई थाहा थिएन त्यहाँ ब्याग छ भनेर। अन्त म अलिक गोइङ्का पम्पबाट क्रस भएर बजार पस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मेरो गाडी अटोमेटिकली ब्याक साइडको लक हुन्छ, र म गाडी अफ गरेर पेसेन्जर हाल्नु जाँदाखेरि चाहिँ मैले गाडीको लक खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले रातो ब्याग देखेँ, लेडिज ब्याग देखेँ। अन्त लेडिज ब्याग देख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो ब्याग देखेँ, अन्त मैले अगाडि लिएँ, मेरो सिटमा ल्याएँ। अन्त लिएर चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले दार्जिलिङको मान्छे हालेर आएको थिएँ, दार्जिलिङको मान्छे पुरा ढिलो भइसकेको थियो, 4:30 भइसकेको थियो। अन्त बिजनबारीको मान्छे थियो, बिजनबारीको मान्छेले भन्नुभयो मलाई ढिलो हुन्छ भाइ, भोलि ब्याग दिनु भन्दाखेरि पनि मैले जबरजस्ती एक राउन्ड फेरि मैले घुमाएर लगेँ। अन्त घुमाएर लाँदाखेरि मैले चाहिँ आन्टीलाई भेट्छु होला भनेर मैले त्यो ब्याग दिनु खोज्दाखेरि चाहिँ मैले आन्टीलाई भेटिनँ, र चाहिँ मैले त्यो भेटिनँ, र चाहिँ मैले एउटा सिभिक पुलिसलाई मैले ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ सिभिक पुलिसले त बुथमा दिनुभएछ। अन्त चाहिँ मैले त्यति उयो गरेर म वापस भइहालेँ घर।